हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनील नागांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शाम को 10 बजे से शुरू कर रहे हैं रात के टाइम, और क्या क्या काम करेगा वो सब दिखेगा वीडियो में। और बहुत ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा था तो आपको सिस्टम में बता दूँ कि अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और आप पता ना क्या क्या कमेंट कर देती हैं, जिसका इतना दुख भरी जिंदगी चल रहा हो, 20 दिन से लगड़ते लगड़ते पैर का इतना दशा खराब है और फिर भी आप उसमें ड्रिंक का नाम ले ली। आपको अभी दिखा दूँ वीडियो शुरू करते ही समय, ये देखिए रात भर में ये पूरा स्प्रे खत्म कर दिया हूँ पैर पर मारते मारते, और फिर भी दर्द खत्म नहीं हुआ। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म, कल ही में लेके आया था। और आपको अभी दिखा दूं, ये देखिए ये काम करने के लिए तैयार है। और ये आपको अगर टैबलेट पढ़ी लिखी होंगी तो आपको दिखेगा कि ये कौन सी टैबलेट है। उन्होंने बोला कि ज़्यादा दर्द करे तभी इसको इस्तेमाल करना, हार्ट पावर का है ये, इसको देख लीजिए। अगर आपको फिर भी गलत फैमिली हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट बात करके आप हमसे वीडियो कॉलिंग बात कर सकती है कभी भी, लेकिन ऐसे कमेंट करके और भी पब्लिक को, हमारे यूट्यूब फैमिली को डिस्टर्ब ना करिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो डायरेक्ट हम लोग वीडियो के जरिए शो कर देते हैं। जो हमारा बड़े बुजुर्ग हैं, हमें मानते हैं, वो हमें कमेंट द्वारा, और हमें से बहुत आदमी कनेक्ट है वीडियो कॉलिंग द्वारा, नंबर ले रखे हैं, वो हमसे बात भी करते हैं, अच्छे वीडियो राह पर चलने का वो शिक्षा देते हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप ऐसा गलत कमेंट ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। और इधर देख सकते हैं रिमझिम रिमझिम हल्का हल्का बारिश हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। इधर देख सकते हैं हमारा नाइट में चारों बगल बल्ब जला दिए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज ना कलर नहीं मिल पाया, नहीं तो आज ही रात को ही कलर करते। और ये वहाँ वाला लाइट खोल दिए क्योंकि हवा बेहार चल रहा था तो तार गिरने का डर था, तो दिक्कत हो सकती थी। इधर देख सकते हैं कूलर में भी पानी भरेंगे। और आप फिर कमेंट में ना कहिएगा कि भैया जब तबीयत खराब है तो आप इसको चल क्यों रहे हैं, ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बोले हैं कि ये इसमें इन्फेक्शन हो गया है, कील कुल ज़्यादा ही हल गया है, तो आप उसको बेशक ज़्यादा मत इस्तेमाल करिए लेकिन थोड़ा बहुत काम करते रहिए, नहीं तो वो उसको अगर स्टॉक करिएगा तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा वहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे ऐसे उंगली कर रहे हिलाते रहना। तो दिन भर तो मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, वीडियो में आप देखे ही होंगे, और मैं कभी बैठना नहीं चाहता, मैं और भी कुछ सीखना चाहता हूँ। अभी मेरा उम्र भी नहीं है कि मैं कभी अपने को आलसी बनाऊँ, और ना मैं कभी आलसी बनना चाहूँ। जीवन में सबसे ज़्यादा वीडियो में आप लोग देखे होंगे बोल बोल कर थक गया, तो प्लीज़ आप ऐसा कमेंट ना करें। और थोड़ा बहुत मैं गुस्से में कुछ बोल दिया उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, लेकिन आपको गलत लगा हो तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। वो नागांती जी के चैनल आप प्लीज़ देखिए, मेरा मत देखिए, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई के राह पर चलता हूँ और सच ही बोलता हूँ। मैं कभी ड्रिंक भी लिया तो मैं ड्रिंक में भी आपको बोल दूँगा कि आज लिया हूँ, लेकिन गलती से मैं ड्रिंक भी नहीं लेता हूँ, उसका मैंने 3-3 बार साझा भुगत लिया है। तो इंसान को समझ आ जाता है, बस दुख दर्द की वजह से मैं ऐसा बोल देता हूँ। मैं इसी तरीके का हूँ और इसी तरीके का मेरा लाइफ है और इसी तरीके का मेरा ब्लॉग है। तो प्लीज़ आप एक दो शब्द अगर अच्छा ना लगे हो तो प्लीज़ क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो मैं बात बोला उसको आप समझिए। चलिए दोस्तों, अभी खाना बना रही है नागांती जी, जब तक मैं, खिड़की लगाना ज़रूरी है क्योंकि बारिश अब आना शुरू हो गया, तो उधर से अगर बारिश आएगा तो हमारा किचन में खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, कींच-काच होगा तो बहुत अलग होगा। मैं किस तरीके का खिड़की बनाता हूँ वो सब आपको दिखेगा वीडियो में, बने रहिए एंड तक। और आशीर्वाद बनाना बिल्कुल मत छोड़िए। थोड़ा मैं गलत वलत अगर सब निकल गया, क्योंकि आप शुरू में देखे होंगे कितना मैं सब अच्छे से अपना बोलता हूँ, लेकिन ये दवा और इंजेक्शन ने मेरे को कुछ ऐसा बना रखा है इस शरीर को कि उसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही होगा। दुख आता है उसके बाद सुख भी आता है। कितना सारा खुशियाँ, खुशी के मारे रात रात भर काम करते थे, देख रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया हमारे जीवन में ये कील के वजह से कि उसका कोई हिसाब नहीं। चलिए कोई नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हमें अपने आपको संभालना है क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। तो चलिए अभी मैं ये वाला काम करना शुरू करता हूँ। देख सकते हैं अभी इसको कैसे भी करके काटे हैं इसी से, क्योंकि ना
वो ड्रिल मशीन से तो कट जाता, लेकिन उसमें लोहा काटने वाला ब्लेड है, लकड़ी काटने वाला रहता तो हो जाता। चलिए कैसे भी करके, ज़्यादा काम नहीं है इस खिड़की में, लेकिन कुछ इसमें ज़्यादा ही काम है दोस्तों, कुछ इस तरीके का बनाने जा रहा हूँ। इधर देख सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है तो सामान वामान सब जो भी कपड़ा लाता है उसको सही यार रही है, क्योंकि मेहमान कल से आना शुरू हो जाएंगे। और जो भी है हमारे बच्चों के खुशी के लिए थोड़ा बहुत इंजॉय तो होगा ही, जो आप लोगों को देख के अच्छा लगे। तो चलिए अभी इंची टेप किधर है विकास? इंची टेप तो देख सकते हैं, फाइनली ये खिड़की का लुक बन के तैयार हो गया। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों करीब, रुकिए, नगाती जी क्या कर रही हैं? ये देखिए, ये जो खिड़की है ना, आप क्या सोच रहे हैं जी? और क्या कहा हम लोग ब्लॉग में बोल दी, आप क्यों ऐसा करवाती हैं वीडियो में? दोस्तों अभी आपने कमेंट किया था कि नागांती जी भी बहुत मेहनत करती हैं, आपका पैर दबाते हैं, तो ये जरूरत पड़ेगा तो हम भी दबा सकते हैं, लेकिन अभी नागांती जी हमारे जैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पैर में तकलीफ है इसलिए मैंने बोल दिया था। और जो बातें हो रही थी, आप इससे दो चीज़ का सीख मिलता है कि अगर हमारा यूट्यूब फैमिली में सब अपने घर में खुश रहना चाहते हैं, आ खुश भी होंगे, तो पति पत्नी में हमेशा ऐसी प्यार रहे कि जो भी एक दो थोड़ा शब्द जैसे हम लोग गुस्से में चाहे प्यार में बोल देते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारा जो तकलीफ़ है इसके लिए मैं बोला कि ये हमारे लिए नहीं, सब जो भी हमारा यूट्यूब फैमिली देख रही है उन सब के लिए हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बात समझ गई होंगी। देख सकते हैं अभी दोनों आदमी कितना मेहनत किया आकाश के बर्थडे के लिए और अपने सपनों के घर को और भी सुंदर बनाने के लिए, हमारा यूट्यूब फैमिली हमें साथ दे। इधर देख सकते हैं सब चीज़ 2 दिन पहले ही खरीद लिया, आज 31 तारीख है ना, कल 1 और परसों 2 तारीख को बर्थडे है। इसमें जो भी सामान है वो सब दिखेगा सुबह आपको, क्योंकि अभी खिड़की अकेले लग नहीं पाएगा, आधा घंटा में लगा कर अभी खाना नहीं खाए, खाना खा के फिर चलते। आइए जी, तकलीफ समझिए, दुख हो रहा है, आप तो रात को देखी होंगी। अब मैंने आपको कहाँ गाली दिया था जी, कि हमारे यूट्यूब फैमिली कह दी कि गाली आप देंगे, तो वो भी कहिए मुस्कुरा के। आपको अगर मैं गुस्से में दर्द के मारे अगर गाली भी दे दिए तो आप मेरी धर्म पत्नी हैं, चलेगा, मैं किसी और, समझ रहे हैं ना? इधर इधर साफ सुथरा बात बोलिए, जो भी बोलना है कैमरा में, और थोड़ा मुस्कुरा के ये चेहरा कैसे उतरा हुआ है, कहाँ चक्कर है? दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, आप देखिए आप कमेंट करेंगे हम उससे सबक सीखेंगे, कि हमने जो भी गलती किया हमारा यूट्यूब फैमिली सबक दी। सुबह 10-11 बजे तक खाना बनाई और शाम को गई, मैं कहते रहा जल्दी जाइए जल्दी जाइए, बारिश हुआ उधर से भीगते हुए, लड़का 2 बार आया राउंड, बेचारा खाना भी नहीं खाया सो गया, क्योंकि बारिश पहला अगर इतने गर्मी के टाइम में अगर अचानक से बारिश आए तो उसमें बिल्कुल भीगना नहीं चाहिए। 4 बार आया था, किसका गलती है? और दिन में गई होती तो मेरा इंजेक्शन भी लग गया, तो मैं 1 बार साइकिल से भटक देती थी वो पैकेज में। मैं समझता हूँ बात को, आप 50 रुपये लगाते थे तो 50 रुपये में सारा सामान ऑटो वाला लिया के यहीं पे द्वार पे छोड़ता, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर है मार्केट हमारा। मैं समझ रहा हूँ, तो बच्चों को देखिए, आपकी गलती है, आप मैं समझ रहा हूँ, सब चीज़ खरीद लेती 50 रुपये देती कि भाई यहाँ पे छोड़ दो, 1 किलोमीटर अगर आएगा कोई तो 50 रुपये उसके कम नहीं है, वो भी मोटर वाला, उसका हद से थोड़ी सी चार्ज खत्म होगा आओ वहीं पे, तो आप समझिए बात। कोई बात नहीं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, वो मेहनत किया मेरा, मैं कील हरा तो मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब आपके सामने क्या बोले? मैं तो कह रहा था कैमरा घुमाइए कि डॉक्टर साहब क्या क्या बता रहे, थोड़ा हमारा यूट्यूब में से आए रेस्ट करने के लिए बोले। तो रेस्ट करने के लिए नहीं, इस चलाते रहे, मैं सोए रहूँगा तो ये स्टॉक हो जाएगा, काम कैसे होगा? रेस्ट कैसा होता है बताइए, पैर से मैं तो काम कर नहीं रहा हूँ, हाथ से काम कर रहा हूँ, पैर से चलना नहीं है, इधर भी इधर उधर बेफजूल के तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, वहाँ पे गया साइकिल चला कर वहाँ पे गया तभी तो लगा दर्द करने, अब बताइए पैदल जाता तो क्या होता? चलिए वो सब अपना समस्या है, वो तो होगा ही, लेकिन हम लोग में
तुतु मेमे हंसी खुशी झगड़ा ये होते रहता है आ इसी को खुशी कहते हैं शायद, क्योंकि झगड़ा नहीं होगा तो खुशी भी नहीं प्राप्त होगा, दुख नहीं होगा तो सुख भी प्राप्त नहीं होगा, ये मैं आप लोग से सीखा हूँ। तो चलिए कोई नहीं, आप इंजॉय करिए, अभी हम लोग चल रहे खीर की लगाने। देखिए पहला कलाकारी हमारा यूट्यूब फैमिली कहती है कि सुनील भैया आप बहुत दिमाग लगा के कोई भी काम करते हैं, तो ये देखिए आप बताइए इसमें कौन सी डिजाइन की खिड़की लगाई है। तो मैं अपने पसंद से लगाऊँ, आपको अच्छा लगेगा तो टोकिएगा कि गलत हो रहा है, ऐसे मत लगे ठीक है। तो मैं अपने पसंद से लगाता हूँ, आइए थोड़ा हेल्प करिए साथ बताइए। तो देख सकते ये है खिड़की का लुक, अब इसको कलर करेंगे तो अलग ही लुक होगा। इसको लगाना पड़ा दोस्तों क्योंकि वेस्टेज पचड़ा ले आए हैं 20 रुपया किलो, यहाँ थोड़ा खराब है, यहाँ भी खराब थी ये लगा दिया, लेकिन जब इस पे कुछ कलर या वॉल पेपर चिपकाएंगे ना तो कुछ अलग तरीका से इसको मेंटेन कर देंगे जो एकदम अच्छा दिखे। तो अभी ये जो दिख रहा है आप सोच रहे होंगे खिड़की तो है ही नहीं, उसे ऐसा जुड़ाई कर दिए होते, तो नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये खिड़की जो है ये देखिए कुछ इस तरीके को फिट करना है कि यहाँ से नगांती जी ऐसे करें तो ऐसे बोले कहाँ पे था तो दिख रहा है सही साफ दिख रहा है उसमें देखिए। तो इस तरीके का लगाना है, ये देखिए खिड़की हो गया। अब इसको इसमें ऐसा लगाना है कि ऐसे इसमें पकड़ के लगाती जी इधर करें, खोलना हो तो ये इतना पे आके स्टॉप हो गया। अब कलर रहेगा इसी कलर का चाहे जो भी कलर है, और फिर इधर से ऐसे करें तो ऐसे आके बंद हो जाए। इस तरीके का इस खिड़की को लगाना है हम लोग को, और इसमें क्या क्या लगेगा वो सब दिखेगा आपको, वीडियो में बने रहिए। बाकी फाइनली तो ये हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस में ये इधर और इधर होगा। चलिए अभी ये वाला काम करना शुरू करते हैं। तो उस काम के लिए भी हम लोग इस लकड़ी को इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। अभी टाइम कितना हो गया नगंती, टाइम बताइए। 22:22 यानी 10:30 बज गए हैं। तो चलिए अभी ये घंटा टाइम है क्योंकि 11 बजे खाएंगे, 12 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए ना, हम सीखे हैं बड़े बुजुर्ग। आइए नगांती जी, बारिश हो रहा है जी, रिम झिम जी हल्का हल्का पड़ रहा है ना, बहुत सुहाना मौसम है। तो चेहरे पे थोड़ा मुस्कान लाइए क्योंकि पहले वाला ब्लॉग में बहुत तरीके का आपने बता दिया था, वीडियो इतना निगेटिव कमेंट आया था तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, सिस्टर को मैं बोल दिया कि खाली अपने भाभी लगती हूँ नगांती जी, तो उन्हीं का चैनल को देखिए फैमिली लाइव ब्लॉग और रियल लाइव ब्लॉग। भैया को प्लीज़ भूल जाइए क्योंकि भैया ऐसी हैं, मेहनत कर कर के दुख से देख देख के, आप तो पूरा ब्लॉग जानते हैं हमारा पूरा कहानी, थक चुके हैं और फिर भी आप लोग के बस जिले हिम्मत नहीं हारते हैं कि कभी ना कभी अपने पैर पर खड़ा होके अपना खुशी भरा जिंदगी जी लेंगे। और बाकी हम लोग एकदम खुश हैं क्योंकि हमारा खुशी है हमारे बच्चों में, हमारे बच्चे खुश हैं बिल्कुल। थोड़ा बहुत उनको तकलीफ़ होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, अपना तकलीफ़ तो होता ही है लेकिन उनकी तकलीफ़ बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे कि विजय उतना मेहनत किया और खाना बगैर खाए सो गया है। क्या खाया? अच्छा अच्छा खाया ना, अच्छा इसीलिए खाना नहीं खाया, तो कोई नहीं मेहनत करे। अभी बच्चे हैं वो, अभी बड़े नहीं हुए हैं ज़्यादा। कितना उम्र हुआ विजय का? 10 के 12। थोड़ा सा ऐसे बोलिए, ऐसे में कन्फ्यूजन होता है सोच के। मैं कहाँ याद रखता हूँ, मैं बाकी मैं अपने बच्चों का बर्थडे भी नगांती जी कहती हैं कि 2 तारीख को है, विकास का कितने तारीख है, अब विजय का 6 अक्टूबर को विजय का है और 2 अगस्त का विकास का, आकाश का और 2 जनवरी का। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना शुभ शुभ दिन महीनों में हुए हैं हमारे बालक। और थोड़ा बहुत तो मम्मी पापा भी कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि वो हमें इतना अच्छा पता है अच्छी तरह से, हमें बच्चों को अच्छे भविष्य अच्छे संस्कार की तरफ ले जाने के लिए कष्ट उठाना होता है और हम वही उठा रहे हैं। हमारे बच्चे जब सियान हो जाएंगे तो वो दुख से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे ना जी। तो जैसा इनका चेहरा है बिल्कुल उसी तरीके से मेरा भी है, क्योंकि मेरे को भी खाने का उतना इच्छा नहीं हो रहा है, ये तवा इतना खा लिया इस पैर के दर्द के हिसाब से, मैं तो परेशान हूँ। आप देखे होंगे एम्स हॉस्पिटल से दवा चलते चलते
नींद का कैसे कैसे उसको मैं त्याग तब तक कील हल गया। यानी इसको किस्मत का दोष या अगले जन्म का जो भी कर्म है कितने आदमी बताते हैं, तो उसको हम लोग काट रहे हैं लेकिन एकदम खुशी खुशी काट रहे हैं। थोड़ा दुख है लेकिन धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा क्योंकि हमारा यूट्यूब फैमिली हमारा साथ दे रही है ना जी। और इतने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अगर हम लोग के ऊपर रहे तो ज़रूर एक दिन मेहनत रंग लाएगा, और धीरे धीरे इतना तो मेहनत रंग लाया ही है, इससे ज़्यादा खुशी नहीं और क्या है। और भी मेहनत करेंगे और भी आगे खुशियाँ प्राप्त होगी। आ इधर देख सकते हैं नागांती जी, इसको आप तो देख ही नहीं होगी, थोड़ा सही से देखिए, देख थोड़ा नीचे देख के चलिए, इसीलिए मैं कुछ हालत नहीं। अच्छा ईंटा का बताइए, ये ऐसे फेंका पड़ता था, लाइट जल रहा है, चलिए दिन में इसको दिखाएंगे दोस्तों अच्छे से। आप तो पहले वाला ब्लॉग में देखे होंगे, इसको कंप्लीट कर दिया हूँ लेकिन कहाँ लगाना है वो सरप्राइज है आपको, ये कल दिन में दिखेगा। पहले खिड़की का काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बना है ये, इसमें मत बताइए वो कहीं और लगाने के लिए बना है, चाहे आप अपने मर्जी से लगा सकते हैं। देखिए कितना मजबूती में बना है, देख रही हैं। तो ये लोहा में भी फिट करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत लूज रह जाता है, और मैंने देख सकते हैं बांस में फिट किया है, बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं कि कहीं भी लूज है, है कहीं भी देख सकते हैं एकदम। देखिए थोड़ा रात के टाइम है तो अच्छा इधर से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों कहीं भी आपको दिखेगा नहीं कि एक भी जाली सी जो इसको बोलते हैं लूज है, एकदम लाइन लेवल में एकदम। हाँ एक भी तो मतलब और एक भी तो रहता ना, हाँ इसको दरवाजे बनाते हैं। तो ये यहाँ डिजाइन है ना, ये यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे पटरा लगा देंगे, हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो इसको कहाँ फिट करना है वो तो सरप्राइज है, वो लगा दें। सरप्राइज नहीं दोस्तों, चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ये देखिए मैं इसकी नाप के वो बनाया हूँ, एकदम फिक्स बैठा है, तो इसमें भी उस डिजाइन के लगेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर फिक्स लग गया तो नागांती जी को इसमें से कुछ भी सामान निकालना हो तो उस दरवाजे को ऐसे करेंगी, तो इस कोना में जाके कोना से एक हाथ रहेगा टच हो जाएगा और नीचे लगेगा, कंचा भी लगा देंगे उससे भी डुबरते रहेगा, लेकिन ये है कि जैसे इधर करेगी ना तुरंत उसी में जाके बैठ जाएगा। इस सब का व्यवस्था बना रखे हैं, थोड़ा बहुत कम पड़ेगा इसको भी लाएँगे, तो इस तरीके का इसमें चूहा भी नहीं घुसेगा, और उसको कुछ अलग तरीका से कलर कर देंगे, जैसे अभी इस पर कलाकारी नागांती जी दिखाई हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर बनाई है, तो उस पर भी उसी तरीके का बना देंगे, वॉलपेपर जो भी उस पर चिपकाना चाहेंगे ना, इसीलिए बराबर एकदम बनाए, वॉलपेपर भी आपका उसी पर एकदम लाइन लेवल में चिपक जाएगा, जो पता ही नहीं चलेगा किस क्या चीज़ पर चिपका है, समझ रही हैं। हाँ तो उस तरीके से बना है, और यहाँ पर वो लग जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा एक पर्दा, और एक पर्दा यहाँ पर, उस घर में पर्दा की तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसमें भी लगेगा, कोई नहीं पर्दा तो सही रहता है। तो चलिए अभी बात कम करते हैं, पहले काम करते हैं, आप जाइए खाना खाइए, जब तक मैं नाप के इसको काट लेता हूँ, काटने के बाद थोड़ा वहाँ पे हेल्प करिएगा तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। और कील भी थोड़ा कम ही पड़ रहा है, इतना ये कील है। और एक काम करिए, जो ओमी जो है ना और जो डॉक्टर साहब बोले थे, तो लिया के थोड़ा प्यार से लगा दीजिए इसमें, छूना पड़ेगा। मैंने आपके मम्मी को कॉल करके बोल दिया कि थोड़ा मोबाइल में देखिए हम लोग कौन सी डिजाइन के वीडियो बना दिए हैं, तो मम्मी अभी तो कॉल कर ही नहीं, मुझे लग रहा है कि वो देखी ही नहीं, सुबह देखूंगी, तुरंत कॉल आएगा। मैं आपसे बता दूं दोस्तों, देखिए कितना हम लोग में प्यार और दुलार है, कितना भी हम लोग बोल लें लेकिन इनकी जो मम्मी है उनसे हम आज्ञा ले कर हर रोज़ ही बात करते हैं कि आज हमने किया, अपना जो भी दिन भर में गलती थोड़ा बहुत तू तू में सब बता देते हैं उनको, तो हमें और भी समझाती हैं कोई बात नहीं, जो मैंने इस शब्द को बोला कि थोड़ा बहुत दुख नहीं रहेगा तो सुख का पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा आप डांट नहीं सुनेगी तो हंसने का मज़ा ही नहीं आएगा, तो ये शायरी मत समझिएगा कि शायरी में बोला। इंदिरा गांधी जी के चेहरे को मुस्कान वापस लाने के लिए थोड़ा कोशिश किया, देखिए रंग लाया बात, चेहरे पर मुस्कान आके चलिए, अभी पहले खाना खा के दवा खाते फिर काम करना शुरू करेंगे। अभी देख सकते हैं काम रुक चुका है क्योंकि कील खत्म हो चुका है दोस्तों, इसमें लगना है कील कुछ ज़्यादा, ये देखिए ये हो गया, और हमें अभी गिरा होता नागांती जी की मुड़ी पर, थोड़ा नागांती कैमरा पकड़े ना, ये जो दिख रहा है दोस्तों, चलिए ये तो बनेगा ही, जो हम लोग बता रहे हैं ये इतना बाहर निकल रहेगा, इसी पे चलेगा ये दरवाजा, और ये इसी में
चौकट द्वारा जाम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मजबूती में बन रहा है ना, आप लोग कमेंट में कहे कि सुनील भैया ऊपर सीधा मत बने, ये किचन है कभी गिरे नहीं, तो ये गिरने का कोई चांस है नहीं। नागांति जी को समझा दिया ना जी, आप समझ गए ना। हाँ, तो उस तरीके का एकदम मजबूती में बन रहा है, और जब कलर कर देंगे तो कुछ अलग ही लुक होगा। तो थोड़ा कुछ हम बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ अलग तरीके का जो आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगे। अभी मैं नहाऊँगा, नागांति जी मेरा खाना मत निकालिए, आप इसमें रख के ढक दीजिए, हाँ इस पर रोटी निकाल के ढक दीजिए। हमारे घर खाने में देख सकते हैं दोस्तों, आलू भिंडी का भुजिया और रोटी बना है। और चलिए दोस्तों, वीडियो में एक और कमेंट आ रहा था कि भैया भाभी आप लोग थोड़ा छोटा वीडियो बनाइए ना जी, अगर आपको यूट्यूब को और ग्रो करना है तो हम उस बात को फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग बिल्कुल खुश हैं। थोड़ा बहुत जो बात होता है तो अपने YouTube फैमिली को बता देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, सबक कमेंट द्वारा, और उससे हमारा और हिम्मत बनता है कि हमें कौन सी कार्य करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को खुशियों में परिवर्तित करना, क्या कहते हैं जी संस्कृत में, खुशियों में आप लोग बताइए कमेंट में, यानी खुशियों में परिवर्तन करना चाहिए कि और भी खुशियाँ आगे डबल हो। और हम लोग भगवान जी से प्रार्थना करते हैं हमारा वाला यूट्यूब फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे अपने जीवन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बोला इतना ही एंड करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता ही है, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और नागांति जी थोड़ा रोटी गर्म कर लीजिए, तब और भर पेट खाइएगा। कोई बात नहीं, गर्मी भी है, देखिए बारिश खत्म हुआ, गर्मी हो रहा है ना। हाँ तो चलिए, ठंडा ही रोटी सही है। मैं तो कल फ्रिज में से निकाल के दे दी, वो जैसे तोड़ के खा रहा हूँ तो मेरे को बर्फ लग रहा है, बर्फ खा रहा हूँ। अब बताइए, रोटी को बर्फ जैसे हाँ तो कोई बात नहीं, मैं उसको ऐसे भेजा भी नहीं आपके पास, गर्म करके दीजिए, सोचिए मैं उसको ऐसे खा लिया, और भी सही रहता है ना।